दोस्तों आज हमारे पास है टाटा नेक्सॉन और ये है इसका सेकंड बेस मॉडल XM। काफी कुछ एक्सेस यहाँ पे इंस्टॉलेशन आज की स्पीड में आपको देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं म्यूजिक सिस्टम से, तो इस वाले वेरिएंट में आपको 3.5 इंच वाला मैनुअल म्यूजिक सिस्टम मिलता है, उसका अपग्रेड किया जाना है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखें तो XM वेरिएंट के अंदर आपको जो है ना वो फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं, तो फॉग लाइट भी यहाँ पे इंस्टॉल की जाएगी। तो ये XM वेरिएंट आप देख सकते हो, इसमें आपको फॉग लाइट नहीं आती है। तो यहाँ पर ये वाले जो फॉग लैंप्स हैं उनका इंस्टॉलेशन आपको देखने को मिलने वाला है, ये आप देख सकते हो। ट्रिपल प्रोजेक्टर वाला जो अपना फॉग लैंप है वो इंस्टॉल करने वाले हैं, और इसका ये पीछे की तरफ आप सेटअप देख सकते हो कंप्लीट। कुछ तरीके से अपना कपलर के थ्रू इसका जो कनेक्शन है वो दिया जाएगा, और इसमें कोई वायर कटिंग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगी। कंप्लीट जो रिले है वो इसके साथ यूज़ की जाएगी, और रिले के अंदर आपको प्रॉपर जो है ना वो फ्यूज़ वगैरह सारा कुछ देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इसकी जो हेडलाइट है उसके अंदर भी आपको LED देखने को मिलने वाली है। ये LED है दोनों, जो कि इसके हाई बीम और लो बीम दोनों के अंदर यूज़ की जाएगी। जो कंपनी से आती है वो अपना हैलोजन बल्ब आता है इसके अंदर, तो हैलोजन बल्ब आपको मिलता है दोनों के अंदर, प्रोजेक्टर के अंदर भी और अपनी हाई बीम के अंदर भी। तो दोनों के अंदर जो है वो LED का इंस्टॉलेशन देखने को आपको मिलने वाला है। तो ये LEDs है, और इसका भी जो प्रॉपर इंस्टॉलेशन है वो अपने यहाँ पर देख सकते हो, अपना कपलर से इस तरीके से प्रॉपर कपलर टू कपलर रहने वाला है। म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर अपडेट कर रहे हैं डेप्स कंपनी का, ये आप देख सकते हो डेप्स कंपनी का रहने वाला 9 इंच स्क्रीन के साथ अपना एंड्रॉइड सिस्टम, जो कि अपना 2 GB रैम 16 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, और ये अपना एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार्प्ले दोनों के साथ सपोर्ट करता है। जो सिस्टम मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप यहाँ पर देख सकते हो डेप्स कंपनी का रहने वाला है, और इसका जो फिटमेंट रहेगा वो अपना प्रॉपर फ्रेम के साथ रहने वाला है। ये अपना फ्रेम है, तो इसका भी इंस्टॉलेशन आपको भी दिखाते हैं। और इसके साथ जो आता है वो कुछ इस तरीके का फ्रेम आपको देखने को मिलता है, तो इसको निकाल करके अब ये वाला फ्रेम लगा करके इसका सारा कुछ कनेक्शन कर रहे हैं। अब क्योंकि ये XM वेरिएंट था, तो इसके लिए इसके साथ जो है ना कैनवस की भी जरूरत पड़ती है, ताकि आप जो नीचे के जो बटन है उनको यूज़ कर सकें और आपके जो सेंसर है वो प्रॉपरली वर्क कर सकें। तो सेंसर के साथ अपना ये कैनवस है उसका भी इंस्टॉलेशन जो है वो किया जाना है। तो ये लगाते हैं, इसका इंस्टॉलेशन करते हैं और फिर दिखाते हैं किस तरीके का वर्किंग है। और सारे यहाँ पे आपको कपलर के थ्रू कनेक्शन देखने को मिल जाएंगे, ये आप देख लीजिए। तो जितना भी वायर का कनेक्शन है, जितना भी आपको यहाँ पे कपलर से सारा कुछ आपको कनेक्ट देखने को मिल जाएगा, चाहे वो पीछे कैमरे की वायरिंग हो चाहे अपनी स्टूडियो की। इसके अलावा इसमें फ्लोरिंग का भी इंस्टॉलेशन किया जाना है, और फ्लोरिंग आप यहाँ पर देखिए कि अपनी ये जो फ्लोरिंग है वो इंस्टॉल की जाएगी, और इसके लोअर पोर्शन भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इस वक्त जो है ना वो कारपेट मैट टाइप का आपको देखने को मिल जाएगी, कुछ तरीके से कंप्लीट मैटिंग रहती है। इसको चेंज करके यहाँ पे इसके ऊपर जो है ये वाली अपहोल्स्ट्री जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है, जो कि अपनी डैम्पिंग रहती है। रियर में देखें तो रियर व्यू कैमरे का भी इंस्टॉलेशन जो है वो किया जाना है, और सेम उसी प्लेसमेंट पे जिस तरीके से आपको टॉप एंड मॉडल XZ वगैरह में आपको देखने को मिलती है ना, यहाँ पर नव सीधा टाटा के लोगों के नीचे, तो वहाँ पर ही इसका जो इंस्टॉलेशन है वो किया जा रहा है। और जितनी भी वायरिंग वगैरह आपकी आने वाली है वो सारी अपनी यहाँ पे कपड़ा बना करके ही की जाएगी, कोई भी वायर कटिंग आपको इसके अंदर देखने को नहीं। यहाँ पर देखिए तो अपने जो फॉग लाइट है उसका इंस्टॉलेशन भी शुरू हो चुका है, तो यहाँ सकते हो इसका यहाँ पे इंस्टॉलेशन, और पीछे की तरफ आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके की फिटमेंट है। अब इस वाले वेरिएंट में अपने फॉग लाइट्स तो नहीं आते, तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए। और आउटपुट की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ तरीके से 3 प्रोजेक्टर वाले जो अपने फॉग लैंप्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसके सराउंड में आपको DRL जो है वो भी देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से। ये अपनी कंप्लीट असेंबली रहती है। इधर देखें तो अपनी ये रिले के साथ कंप्लीट इंस्टॉलेशन देखने को आपको मिल जाएगा, रिले मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। यहाँ पर देखें तो अपने फ्लोरिंग का इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो चुका है, सारी सीटें निकाल दी हैं, और ये अपनी फ्लोरिंग चेकआउट कर सकते हो कुछ तरीके की। अपनी जो फ्लोरिंग है वो इसका इंस्टॉलेशन यहाँ पे किया जा रहा है, और इसका डिजाइन जो रहता है वो सिक्योरी फ्लोरिंग रहती है, इसमें एक पत्थर वाली भी आती है। इसके अलावा अपने पास और भी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर आपको जो है ना डाई वाली फ्लोरिंग भी मिल जाती है, तो वो भी आप लगवा सकते हो, 9D वाली भी आती है, तो कई सारे ऑप्शंस है, जोन सा आपको अच्छा लगे वो आप लगवा सकते हो। तो इसका जो इंस्टॉलेशन है वो शुरू हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कंप्लीट फ्लोर के ऊपर एक कंप्लीट लेयर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जिसका कारपेट मैट है ना ये वाला, ये अगर क्योंकि इस पर पानी वगैरह गिरेगा तो इसमें क्या है अपनी नॉइज अपना स्मेल वगैरह प्रोड्यूस करने के चांसेस रहते हैं, और क्लीनिंग में भी काफी दिक्कत आती है। लेकिन इसको अगर इसके ऊपर कुछ गिरता है तो साफ करने में आसानी होगी, और इस तरीके की जो अपनी स्मेल वगैरह है वो भी इससे नहीं आती है। यहाँ पर देखें तो एंड्रॉइड का जो इंस्टॉलेशन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, और सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ क्योंकि XM वेरिएंट है, तो इसके अंदर इंस्टॉलेशन के लिए अपना कैनवस का भी इंस्टॉलेशन किया जाता है। और कैनवस का बेनिफिट यही होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो तो सारे डोर्स जो है वो ओपन है इस वक्त, और सारे डोर्स की जो ओपनिंग की वार्निंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि डोर अजार वार्निंग आपको इसके यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलती है। उसके अलावा अपने म्यूजिक सिस्टम के अंदर भी देखने को मिल जाएगी, इसको आप इस तरीके से हटा सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं डेप्स कंपनी का जो म्यूजिक सिस्टम लगा है वो किस तरीके का है। यहाँ पे आप देखो तो इसका टच रिस्पॉन्स यहाँ पे काफी फास्ट, मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो भी आपको देखो लैग वगैरह देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा होगा। और यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम का इंस्टॉलेशन किया गया है, जिसमें आपको कई सारी एंड्रॉइड सिस्टम है विद कार प्ले के साथ, 2 GB रैम 16 GB इंटरनल स्टोरेज इसके अंदर आपको इनबिल्ट मिल जाता है। इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन के अलावा यहाँ पे देखें तो क्रोम ब्राउजर है, मैप है, गूगल है, प्ले स्टोर है, इसके अलावा यहाँ पे देखें तो यूट्यूब का भी सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा जोन सी ऐप आप चाहें वो डाउनलोड कर सकते हैं बाय प्ले स्टोर। रिवर्स पार्किंग कैमरा ये भी इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है, और पार्किंग कैमरे का जो आउटपुट है वो देखते हो अपने सामने, नाइट टाइम हो चुका है यहाँ पे आप देखो,
तो उसके बावजूद यहाँ पे आपको काफी अच्छा जो विजिबिलिटी है वो देखने को मिल जाती है और प्रॉपर आप पीछे का व्यू है वो देख पा रहे होंगे। तो नाइट टाइम में भी पार्किंग करना आपके लिए काफी आसान होगा, तो आप इसका आराम से इस्तेमाल कर पाओगे। लाइटिंग सेटअप कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है, क्या क्या चीजें इंस्टॉल हुई है चलिए वो दिखाते हैं। सबसे पहले फॉग लाइट आपको मैंने दिखाए थे, कुछ तरीके के जो फॉग लाइट है ट्रिपल प्रोजेक्टर वाले वो इंस्टॉल किए गए हैं। उसके सराउंड में आप जो DRL है वो भी देख सकते हो। ऊपर आते हैं तो इसकी हाई बीम और लो बीम दोनों के अंदर आपको मिलता है हैलोजन बल्ब, इसको भी चेंज किया गया है। दोनों के अंदर LED डाली गई है और अपने इसके अंदर LED पहले से ही आती है। तो कंप्लीट जो इस गाड़ी का जो फ्रंट लुक है और रोशनी की बात की जाए तो काफी तेज हो चुकी है। यहाँ पे आप रोशनी किस तरीके का है, ओवरऑल जो इसका आउटपुट, एक बार बंद करके फिर दिखाता हूँ मैं आपको दोबारा से कि किस तरीके के चेंजेस यहाँ पे आए हैं। तो ये आप देखें, तो ये बंद कर दिया कंप्लीट, और उसके बाद जब मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो तो फुल फोकस आपको देखने को मिल जाएगा। और डिपर लगाने पे आप यहाँ पे देखें तो ये भी अपना प्रॉपर ये कंप्लीट जो है वो हो चुका है। तो काफी अच्छा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, लाइटिंग सेटअप में काफी हद तक इंप्रूवमेंट है। इसके अलावा इसके अंदर जो डोर वाइजर्स है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं और ये प्रॉपर क्रोम लाइन वाले डोर वाइजर्स आप यहाँ नेक्सॉन की प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ इनका भी इंस्टॉलेशन किया गया है। नेक्सॉन की बहुत सारी एक्सेसरीज अवेलेबल है, अगर आप चाहें वो लगवा सकते हैं, जिससे कि रियर रिफ्लेक्टर हो जाते हैं, साइड में अपने क्रोम डोर हैंडल्स आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो साइड बीटिंग है वो लग जाती है। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो अपने जो वार्डरूम के ऊपर कवर आता है ना बॉडी कलर का या फिर पियानो ब्लैक कलर का, वो भी आप लगवा सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे अपना जो स्टेयरिंग व्हील है उसके ऊपर भी कंप्लीट रैपिंग का काम किया गया है और ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको दिखा दो पंचिंग वाले जो अपने स्टेयरिंग रैप है वो किया गया है और प्रॉपर इसका जो इंस्टॉलेशन है जी किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है, प्रॉपर थ्रेडिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। और इसके साथ आपको कई सारे बेनिफिट भी रहते हैं, एक तो ग्रिपिंग काफी अच्छी होती है, लुक में भी अच्छा लगता है, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको सेटिंग वगैरह की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली है। तो ये काफी अच्छा आपको इसको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये सारी एक्सेसरीज थी जो कि इस नेक्सॉन के अंदर इंस्टॉल की गई है, और टोटल कॉस्टिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो 26,000 रुपीज जो है कंप्लीट बजट था इस सारे मॉडिफिकेशन का। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।